स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय त्यौहार की खुशियां बांटने के मकसद से वार्ड 21 के पार्षद द्वारा एक चित्रकला एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विषयों पर विभिन्न स्कूलों से एकत्र हुए बच्चों ने कलाकृतियां उकेरी, जिसे देख निर्णायक मंडल मंत्रमुग्ध रह गया। हमारे राष्ट्रीय त्यौहार स्वतंत्रता दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बच्चे शामिल नहीं हो पाते और उनका मनोबल टूटा हुआ रहता है। सिर्फ स्कूलों में ही कुछ आयोजन इन राष्ट्रीय त्यौहारों पर होते हैं, जिसमें बच्चे अपना थोड़ा बहुत हुनर दिखा पाते हैं। इसी को देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 21 की पार्षद नेहा साहू ने भिलाई में संचालित सभी स्कूली विद्यार्थियों के लिए एक दिवसीय चित्रकला एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराया, जिसमें स्कूल प्रशासन का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। इस प्रतियोगिता में पूरे भिलाई में संचालित स्कूली बच्चों ने अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया। इन बच्चों को विभिन्न प्रकार के विषयों पर चित्रकला एवं रंगोली बनाने का टास्क दिया गया था, जिसे इन बच्चों ने बखूबी पूरा किया। बच्चों ने इतनी मनमोहन चित्रकला और रंगोली बनाई कि निर्णायक मंडल मंत्रमुग्ध हो गया और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि किसे प्रथम स्थान पर रखा जाए और किसे द्वितीय स्थान पर, क्योंकि बच्चों ने पूरे उत्साह और उमंग में डूबकर अपनी कला को कैनवास पर उकेरा था और उनको मिले विषय को बखूबी चरितार्थ करते हुए रंगोली और चित्रकला बनाई गई थी। कार्यक्रम की आयोजक नेहा साहू ने कार्यक्रम की जानकारी मीडिया को दी। नमस्कार। ये आज जो प्रतियोगिता रखी गई है, ड्राइंग और कलरिंग एंड रंगोली कंपटीशन, ये प्रतियोगिता रखने का उद्देश्य ये था कि बच्चों को मोटिवेट करना, प्लस 15 अगस्त हमारा नेशनल उत्सव आ रहा है, हमारा नेशनल त्यौहार है, तो उसको सेलिब्रेट करने का एक इनको तरीका, स्कूल्स में तो होता ही है, बट हमने सोचा क्यों ना हम इनके साथ इस तरीके से सेलिब्रेट करें, इसलिए हम लोगों ने ये कॉम्पिटिशन रखा। कौन-कौन से सब्जेक्ट दिए गए थे बच्चों को? सब्जेक्ट तो हमने बहुत सारे दिए थे, सेव एनवायरनमेंट था और हमने नरवा गरवा घुरवा बारी भी, बड़े बच्चों को ये सब्जेक्ट भी दिया। हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण योजना है और उस योजना को लेके बच्चे क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और अपनी उस सोच को कैसे चित्रों पे उतारते हैं, इसलिए हमने वो टॉपिक भी दिया था। मरीन लाइफ हमने दिया है, इंडिपेंडेंस दिया है हमने, फ्रीडम फाइटर्स दिया था हमने, बहुत सारे टॉपिक्स दिए थे। कैसा रहा बच्चों को, किस तरह? बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और इस कंपटीशन में, इस जो वेन्यू है जहाँ पे ये कंपटीशन हो रही है, जो प्रतियोगिता हो रही है, नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन्होंने भी बहुत हमें कोऑपरेट किया। इनके स्कूल से भी काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया और अदर भी स्कूल से काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया। लगभग 15 स्कूलों से यहाँ पे बच्चे आए हैं आज। बहुत सारे स्कूल्स हैं, मार्बेसियस हैं और BNSS स्कूल है, नालंदा है, नागसेन है, शासकीय स्कूल्स हैं, माइलस्टोन है, काफ़ी सारे KPS स्कूल, बहुत सारे स्कूल से बच्चे यहाँ आए हुए हैं और पार्टिसिपेशन किया है बच्चों ने। वार्ड पार्षद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था, मानो उन्हें पंख लग गए हों और वे अपनी कल्पना की उड़ान भरने को तैयार हों। बच्चों ने अपने नन्हे हाथों से दिए गए विषयों पर काफ़ी मनमोहक चित्रकला एवं रंगोली बनाई और सभी का दिल जीत लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।